अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर के तत्वाधान में चलाए जा रहे सामाजिक अनुभूति पर एक कार्यशाला का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन के मीटिंग हॉल में किया गया, जिसमें परिषद की उपाध्यक्ष डॉ. उषा श्रीवास्तव, महानगर महामंत्री सौरभ गौड़, स्मिता मल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला में चलो गांव की ओर विषय पर सामाजिक अनुभूति का ताना बाना पेश किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि हमें गांवों से पलायन रोकना होगा। गांवों में सुविधाएं बढ़ी हैं, अब गांवों में बिजली है, साधन है, इंटरनेट है, फिर भी लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता गाँवों में जाएगा तथा लोगों से वार्ता करके गाँव से हो रहे पलायन को रोकने का कार्य करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सौरभ गौड़ और डॉक्टर उषा श्रीवास्तव ने कहा, जो खा सकते थे और खाते थे, अब आप उस समाज स्वयं की प्रेरणा से अनाज को हम बेकार नहीं होने देना चाहते। इस तरह के सामाजिक जो संस्कार थे हमारे, वो या पारिवारिक संस्कार थे या बहन के संस्कार थे, ये सारे संस्कार की कभी पूरी दुनिया में देखी जाती जाता था। ये हमारा सामाजिक ताना बाना था, लेकिन शहरीकरण की वजह से जो अंधाधुंध अपने गांव में इन सारी चीजों का त्याग करके जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, जो हमारे मुर्गी पालन हुआ करता था, जो पशु पालन हुआ करता था, जो मत्स्य पालन था, हर गांव में हर बड़ा आदमी या छोटा आदमी, मध्यम दर्जे का आदमी एक छोटा मोटा तालाब रखता था और उस तालाब से पूरे गांव भर को मछली मिला करती थी। नदी मलेरी कितनी दूर हो, यहाँ हम लोग का भी गांव से जो संबंध रहा है उसमें गांव से तालाब से भर भर के मछलियाँ आ जाती थी। इसी तरह से पशुपालन की वजह से दुग्ध उत्पादन की वजह से कभी किसी को कमी नहीं, और छोटे मोटे कुटीर उद्योगों ने तो खाने पीने की कुम्हार की जो जरूरत हुआ करती थी मिट्टी के बर्तनों की, आज जो प्लास्टिक और इतना हम प्रदूषण के तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। मिट्टी से बना हुआ बनाया ही कुम्हार हमारे बीच का, जिसको एक रोजगार भी मिलता था, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, और वो मिट्टी फिर जब मिट्टी का विखंडन होता था तो या डिस्ट्रॉय होती थी, वो मिट्टी में ही मिल जाती थी। पूरे स्टॉक लगा कि आज की स्थिति में भी लोग ऐसे कैसे रहते हैं, जिस गाँव में जाने पर कभी टूटी फूटी सड़कें, खड़ंजा कभी सदियों में लगा रहा होगा तो वो खड़ंजा का दो चार ईंटे दिख जा रहे थे, वही झोपड़ी थी, वही था। उस गांव में कहीं गैस नहीं थी, किसी को चूल्हा नहीं गैस मिला था, मतलब शहर के बगल का गांव इस तरह का था। और बिजली के नाम पे वहाँ, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस गांव में अपनी ड्यूटी से इतने विमुख कर्मचारी जो बिजली विभाग वाले पहुंचे, एकदम गरीब गांव के आदमियों के घरों में भी दो दो किलोवाट का कनेक्शन लगा दिया, और दो दो उसमें एक साल में एक बार बिजली का बिल भी दे देते हैं। ये हमारे पास स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, वो बंधे के बगल का गांव था बंजरहा, और उस बंजर जब बाढ़ आती थी तो पूरा पूरा पृथ्वी परिषद पिछले 5 वर्षों से सामाजिक अनुभूति अभियान जो है जून के माह में चलाती रहती है। उसका ये उद्देश्य ये रहता है कि विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में या शहरी इलाके में पढ़ते हैं, उनको गांव की तरफ भेजा जाए, गांव के बारे में वो जाने, क्योंकि कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी आत्मा गाँव में बसती है। जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं वो गाँव के बारे में जाने, गाँव की स्थितियों के बारे में जाने, वहाँ पर जो है कि सुख सुविधाएँ क्या हैं, वहाँ पर शिक्षा क्या है, वहाँ पर जो है कि और भी जो भी सुख सुविधाएँ हैं वहाँ पर कैसी हैं, क्योंकि एक शहर में रहने वाले विद्यार्थी वहाँ की परेशानियों के बारे में यहाँ से आकलन नहीं कर सकता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से ये चाहती है कि विद्यार्थी जो है समाज के हर पहलुओं का ज्ञान रखे, और विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो आज ही से देश के बारे में सोचे। तो निश्चित तौर पर जब विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता या कोई भी सामान्य विद्यार्थी जब गाँव की ओर तरफ जाता है, वहाँ की समस्याओं को देखता है, वहाँ की परेशानियों को देखता है, तो वो एक अपने आप में वो संकल्पित हो जाता है कि एक उद्देश्य बैठा लेता है अपने आप में कि वो आगे बढ़ के इस परेशानियों को सॉल्व करेगा। तो निश्चित तौर पे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा से है जो है समाज व देश हित के लिए कार्य करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और सामाजिक अनुभूति के माध्यम से जो है गांव की तरफ जाएंगे और गांव के परेशानियों को जानने के बाद वो जो है दृढ़ संकल्पित होंगे वहाँ के परेशानियों को दूर करने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सामाजिक अनुभूति की ये कार्यशाला आयोजित की गई है। सामाजिक अनुभूति से हमारा आशय है चलो गाँव की ओर, गाँव गाँव हम जाएंगे और भारत भव्य बना
बनाएंगे, ये तभी हम कर सकते हैं जब तक कि गांव में जाके ग्रामवासियों की स्थिति ना देखी जाए, गांव की स्थिति ना देखी जाए। विद्यार्थी परिषद ने वर्ष 2015 से सामाजिक अनुभूति का बीड़ा उठाया और इन सारे अनुभवों को डॉक्यूमेंट किया, और इससे ये हम पता कर पाएंगे कि आज हमारे गाँव किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह से शहर और गाँव के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है, किस तरह से गाँव में रोजगार सारे बंद हो चुके हैं, किस तरह से गाँव नशे के शिकार होते चले जा रहे हैं, किस तरह से गांव पलायन का दंश झेलते रहे हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए विद्यार्थी परिषद द्वारा सामाजिक अनुभूति की ये कार्यशाला आयोजित की गई है। अब गांव में सुविधाएं बढ़ाने की अति आवश्यकता है, क्योंकि गांव में अगर जो कृषि योग्य भूमि पर आधारित रह के अपना जीवन यापन कर सकते थे, वो भी गांव से इसीलिए शहर आ जाते हैं कि शहर में उनको थोड़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, स्कूल मिलेगा, अस्पताल मिलेगा। गांव में जो कृषि योग्य ज़मीन पे लेबर का काम नहीं कर सकते थे, वो शहरों में आके रिक्शा ठेला चला रहे हैं, यानी मजदूर दोनों की स्थिति में है, लेकिन उनको शहर की स्थिति बेहतर लग रही है। इसी वजह से आवश्यकता है कि हमें गाँव में सुविधाएँ बढ़ाने का। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आप जब तक गांव में पूरा का कंसेप्ट उन्होंने दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, यानी शहरों में हम गांव में शहरों जैसी सुविधाएं हम देंगे, तो निश्चित है कि गांव से हमारा पलायन रुकेगा और हम गांव को समृद्ध बना पाएंगे।